कश्मीर के शोपियां नजर आ रही है, जहां एक तरफ पार्टी के आलाकमान भले ही ये कहते हो कि पार्टी के नेताओं और खासकर चाचा भतीजे शिवपाल अखिलेश में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है जिससे ये दांव और ये दावे झूठे साबित होते हैं। समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के आलाकमान भले ही ये कहते रहे हो कि पार्टी के नेताओं और खासकर चाचा भतीजे में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ रहा है जिससे ये दांव झूठे साबित हो रहे हैं। और आज की तारीख में तो मानिए सपा जैसे टूटती हुई नजर आ रही है। गुरुवार को एक अंग्रेजी अखबार को अखिलेश द्वारा दिए गए इंटरव्यू में अलग पार्टी बनाने के संकेत देने के बाद शुक्रवार को सपा सुप्रीमो ने ऐसी हुंकार भरी जिससे मालूम हो गया कि पार्टी के असली बॉस तो वही है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी से सीएम कौन होगा उसका फैसला चुनाव जीतने के बाद पार्टी के विधायक ही करेंगे। आपका काम नहीं है, ये हमारी पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड का काम है, हमारा काम है, और न ये बताया जाता न पूछा जाता। जब सरकार जब मोहम्मद आ गया हमारा पीछे तक आप सहयोग करिए तब हमें। फिलहाल इस बात को सुनने के बाद ये कहना गलत ना होगा कि अब तक सीएम अखिलेश जिस सपने में जी रहे थे मानो मुलायम के बयान से वो टूट गए हों। इससे ये बात तो तय है कि पार्टी के लिए मौजूदा सीएम अखिलेश एकमात्र चेहरा नहीं है और पार्टी के अंदर दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री से सरकार का आयोजन है जी? अब बाबी बात करके आया फिर आज ही बात की, कल भी करे आज भी रोज। तो हम लोग कहीं नहीं है, ये विचित्र है, पत्रकार मित्र पूछ लिया करो। हाँ सच है, कोई विवाद नहीं हमारे परिवार कोई भी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए।